a very good morning to each and everybody welcome you all in the english online class and here again we will take the short revision of grammar and the topic is the sentence first of all i would like to ask you that what is sentence did you learn the definition of sentence with example good so that means a sentence is a group of words that makes a complete sense like example please give me another example please give me okay now means i am studying english that is also sentence very good yes so how many kinds of sentences are there second number question listening or no

मैंने इन आवर प्रीवियस डे आई ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे फॉरगोड टू पुट द क्वेश्चन मार्क यू आर आस्किंग क्वेश्चन बट यू फॉरगोड टू पुट द क्वेश्चन मार्क वाई अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हो किसी को भी तो आप क्वेश्चन मार्क चलो ओरली आपको क्वेश्चन मार्क नहीं देना पड़ेगा बट जब आप कॉपी में लिख रहे हो है ना आप कॉपी में लिख रहे हो क्वेश्चन एक पूछे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मस्ट स्ट पुट द क्वेश्चन मार्क देखो जैसे हमने यहाँ पे सीखा है इट सेंटेन एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क जिस तरह की आपके क्वेश्चन होंगे उसी तरह का आपको ये जो पंक्चुएसन मार्क है ये भी देना पड़ेगा जैसे अगर आप बात करोगे एसर्टिव सेंटेंस के बारे में है ना तो ये क्या है ये एक्सप्रेस स्टेटमेंट बताते हैं और यहाँ पे बताया गया कि इट ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप ये एक फुल स्टॉप में शेष होते हैं और यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताया जा रहे हैं कि ये एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क ये जो से सेंटेंस है अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो क्योंकि पापा वेयर आर यू गोइंग है ना पापा को आप पूछ रहे हो तो उसके पहले आपको क्या देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क देना अगर अपनी सिस्टर को हाउ आर यू है ना डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट ये सब आप पूछ रहे हो है ना क्वेश्चन कर रहे हो ओके सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क ऐसे आप आपके सिस्टर को ब्रदर को पूछते हो तो वहां के लास्ट में आपको क्या देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा गॉट इट डियर वेरी गुड अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ना दिस सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट ये सेंटेंस जो होते हैं ये एक्सप्रेस आपके जो मीन्स uh, आपके जो सेंटेंस निकलते हैं मुँह से है ना तो उसमें आप अगर रिक्वेस्ट वाली बात रहती अनुरोध वाली है ना आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज़ गिव मी योर पेन है ना प्लीज़ गिव मी योर इरेजर आप क्लासरूम में भी बोल सकते हो ना मै आई हैव योर वाटर बॉटल मे आई हैव योर बुक प्लीज़ ये सुनो तो मैम को वो आके जाके बोलते हो कि अगर रेजर खत्म हो गए तो मैम मैं आई हैव योर रेजर प्लीज़ ये सुनो सो सो मै आई कमिंग है मैं आई गो टू टॉयलेट ये सब क्या है आपका रिक्वेस्ट है अगर okay? मैम और फिर आपके बाप मैं बैग्स में मैम ने अगर बोला नो डोंट गो टू द टॉयलेट तो ये ऑर्डर वाली हो गया है नो क्लोज द डोर ये सुनो ओपन द डोर स्कीप वाइट सिट डाउन ये सब क्या होता है ऑर्डर जैसे बात होते हैं तो ये सब क्या होता है ना इम्पारेटिव सेंटेंस में आते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ना दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके अंदर के जो फीलिंग्स होते हैं डियर फीलिंग्स क्या क्या है कोई मुझे बताएगा जैसे आपके अपने बताओ लास्ट ईयर भी आपने पढ़े थे यस सैड एंग्री हैप्पी सरप्राइज ये सुनो एक्साइटिंग आप कब एक्साइटिंग हो जाते हो अब अगर आप कोई चीज़ को देख के खूब बहुत एक्साइट हो जाते हो तो आप क्या बोलते हो वाओ व्हाट ए नाइस सीन ये सुनो वा अगर मूवी देख रहे हो कोई भी है ना कार्टून अगर वाओ व्हाट ए नाइस मूवी है ना इस तरह की आपकी अंदर की फीलिंग्स निकलते हैं ना ओ oh गॉड प्लीज़ आपके दोस्त अगर उन दोस्तों को चोट लगे हैं तो आप क्या बोलोगे उसमें आपका एक्साइटिंग वाला फीलिंग्स आएंगे कि सैड वाला फीलिंग्स आएंगे कौन से वाला फीलिंग्स आएंगे सैड वाला तो आप क्या बोलोगे ओ गॉड प्लीज हेल्प ये सुनो हाय फिर हाय ही गॉट हर्ट ये सुनो आउच है ना आउच आई गॉट हर्ट अगर आपको चोट लगे तो क्या बोलोगे आउच आई गॉट हर्ट यस ओके okay. तो इस तरह की जो सेंटेंस निकलते हैं इनको हम क्या बोलेंगे ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस

अरेंज करके सेंटेंस बनाना है कंप्लीट सेंस देना है ओके सेकंड नंबर इज मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स सम वर्ड्स आर दे आर ओके जिसको लेके आपको क्या करना पड़ेगा सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा गॉड इट डियर आर यू गेटिंग और नो ओके लिसनिंग या सो यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट टू डू दिस दीज एक्सरसाइजिस ओके गुड यू डू इट इन योर Copy and send it back to the WhatsApp group so I will check it and I, I will make uh, means I will make a uh, if you have any questions or something please comment okay and uh, if you like this video you can give a thumb otherwise uh, bell thank you very much have a good day